हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, आज है लेक्चर नंबर 2 रोटेशनल डायनेमिक का, जिसमें हम करने वाले हैं रिलेशंस बिटवीन वी एंड ओमेगा। वी मींस लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे गाइस हम और चीजें करने वाले जो है लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा मींस एंगुलर एक्सेलरेशन। देन इसके बाद गाइस हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, इसके बाद फ्रीक्वेंसी करेंगे। तो ये चार टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस वी एंड दोनों के बीच में रिलेशन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। गाइस जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा हो प्लीज जाके वो देखो। और गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना, दोस्तों को शेयर करो। धमाका सीरीज कंटिन्यू, आपके लिए धमाका मचा रहा है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपको रिलेशन फाइंड करना है किसके बीच में, वी एंड ओमेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया था, आर थीटा। ओके गाइस, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू आर डी टी अपॉन डी टी। ओके, डी थीटा अपॉन डी टी। देन गाइस हम लोग अप्लाई करेंगे लिमिट दोनों साइड। जैसे हम लिमिट ऑन द बोथ साइड अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डी एस अपॉन डी टी इक्वल आर, देन इस पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो देन डी टी अपॉन डी टी सॉरी डी थीटा अपॉन डी टी। अब इसके बाद अगर मैं आगे का सॉल्व करना स्टार्ट करूं, गाइस ये ध्यान रखो S अपॉन टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो मैंने यहां V लिख दिया। देन इसके बाद R, ये R मतलब क्या है आप सभी को पता है, R मतलब रेडियस वेक्टर, और रेडियस वेक्टर ये रेडियस जो है ये कांस्टेंट होता है। तो d थीटा अपॉन dt, थीटा अपॉन t मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, होता है एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा। तो गाइस ये हो गया आपका V इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब लीनियर वेलोसिटी हमें तब मिलेगा जब एंगुलर वेलोसिटी हम रेडियस वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, v मिलेगा। तो एकदम सिंपल सा एकदम डेरिवेशन क्लियरली दिख रहा है। इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट, जो हमारा है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन मींस अल्फा। वो अल्फा क्लियरली आपको दिख नहीं रहा बट मैं यहां लिख के दिखाऊंगा आपको। देन गाइस इसके लिए लीनियर एक्सेलरेशन, याद रखो एक्सेलरेशन का रिलेशन किसके साथ होता है, वेलोसिटी के साथ, तो रिलेशन भी वहीं से स्टार्ट करना है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, v इक्वल टू r ओमेगा, फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, dv अपॉन dt, ओके r कांस्टेंट होता है, देन इस पे एंगुलर वेलोसिटी पे हम अप्लाई करेंगे dw अपॉन मतलब d ओमेगा अपॉन dt। देन इसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों साइड, लिमिट dt टेंस टू जीरो dv अपॉन dt। देन गाइस r कांस्टेंट है, इस पे भी अप्लाई करेंगे, लिमिट d थीटा टेंस टू जीरो d ओमेगा अपॉन dt। अब गाइस ध्यान रखो v अपॉन t, याद रखो लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। देन r हमारा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन मींस अल्फा। तो गाइस ये रिलेशन क्लियर, एकदम सिंपल सा क्लियरली दिख रहा है ओंकार सर। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट, टाइम पीरियड डेफिनेशन एकदम लिखा हुआ है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक पार्टिकल को क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो एक पार्टिकल को कंप्लीट एक रोटेशन लगने के लिए कितना टाइम लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ओके सो गाइस इसको हम करेंगे कैसे, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर ध्यान रखो, ध्यान दिमाग में रखो, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां अगर ये कंप्लीट एक रोटेशन लेता है तो कितना हो गया, ये कंप्लीट रोटेशन क्या है, सर्कमफरेंस। तो टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा, 2πr। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम को क्या लेंगे, कैपिटल टी। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड, इसलिए टी ऊपर चला जाएगा, ओमेगा नीचे आ जाएगा, मींस ये क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2πr अपॉन ओमेगा। और यही
यही क्या है, टाइम पीरियड। ओके टी इक्वल टू पाई आर अपॉन ओमेगा, टू पाई आर अपॉन ओमेगा, एकदम सिंपल सा, दिमाग में फिट कर लो। और ये सब फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो ना, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। फ्रीक्वेंसी गाइस, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, मतलब बस टाइम पीरियड को हम उल्टा कर देंगे ना, उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एक सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड के अंदर पार्टिकल ने कितना रोटेशन लिया हुआ है वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। मान लो मैं एंड भूलू एक घंटे में, जैसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, एक घंटे में अगर मैं 100 बार खाना खा सकता हूँ, 2 बार उठा उठा के खा सकता हूँ, और वो जो भोलू है वो एक घंटे के अंदर 10 ही बार खा सकता है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी 100 एंड उसकी कितनी है, भोलू की कितनी है 10। तो गाइस वैसे एक सेकेंड के अंदर कितने पार्टिकल कितना रोटेशन ले सकता है वो मेरी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब टाइम पीरियड को बस उल्टा कर दो, टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड आपको याद होगा, इधर इधर याद रखो क्या टाइम पीरियड क्या, 2 पाई आर ओमेगा, 2 पाई आर ओमेगा ये टाइम पीरियड है, बस इसको उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई आर, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। सो गाइस ये एकदम सिंपल सी चीज है, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। तो गाइस ये 4 टॉपिक मैंने करवाया, इसको आज के आज खत्म कर लो और दिमाग में फिट कर लो। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ध्यान रखो और कंटिन्यू पढ़ते रहो। जय हिंद दोस्तों।